ऑडियो चार, पुस्तक का नाम प्रज्ञा अभियान का योग व्यायाम। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। प्राणायाम। ऋषियों की महान देन में से प्राणायाम मनुष्य की प्राण शक्ति को बढ़ाने अभिवर्धन करने हेतु एक महत्वपूर्ण विद्या है। प्राण शक्ति के अभिवर्धन से सामान्य व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है। संतों महापुरुषों में प्राण की अधिकता ही उन्हें महान बनाती है। विश्व ब्रह्मांड में प्राण का अनंत सरोवर लहरा रहा है। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास के साथ काया में उतने ही प्राण का संचार होता है जिससे शरीर में प्राण टिका रह सके। जीवन में प्राण का विशेष संचार हो इसके लिए प्राणायाम के प्रयोग किए जाते हैं। प्राणायाम के बहुत प्रकार प्रचलित हैं। यहाँ जन सामान्य के लिए प्राणायाम संबंधी सुगम और उपयोगी जानकारियाँ दी जा रही है। प्राणायाम की दो तरह की धाराएँ प्रचलित हैं। पहला, गहरे श्वास प्रश्वास के साथ अंतरंग व्यायाम परक प्राणायाम। दूसरा, लयबद्ध श्वास प्रश्वास के साथ उपासना परक प्राणायाम। पहला, अंतरंग व्यायाम परक प्राणायाम। इनमें तीन चरण होते हैं। एक, पूरक श्वास खींचना। दो, कुंभक श्वास अंदर रोकना। और तीन, रेचक श्वास बाहर निकालना। इस तरह के प्राणायाम में उक्त तीनों क्रियाओं में लगने वाले समय का अनुपात 1:2:1, अर्थात जितने समय में श्वास खींचा जाए उससे 2 गुने समय तक अंदर रोका जाए और श्वास छोड़ने में श्वास खींचने जितना समय लगाया जाए, अथवा 1:4:2, अर्थात जितने समय में श्वास खींचा जाए उससे 4 गुने समय तक श्वास अंदर रोका जाए और श्वास खींचने के समय से 2 गुना समय श्वास छोड़ने में लगाया जाए। इन प्राणायामों में 1:2:1 मात्रा से ही अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। जब इसका अभ्यास ठीक तरह से हो जाए तब 1:4:2 की मात्रा अपनाना उचित है। प्राणायाम के क्रम में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का वर्णन मिलता है। नाक के बाएं स्वर से श्वास प्रश्वास किया जाता है तो ईड़ा नाड़ी, दाहिने स्वर से श्वास प्रश्वास करने से पिंगला नाड़ी और दोनों स्वरों से एक साथ श्वास प्रश्वास करने से सुषुम्ना नाड़ी जागृत और पुष्ट होती है। ईड़ा को शीतल, पिंगला को उष्ण और सुषुम्ना को सम माना जाता है। यदि शरीर में शीतलता का संचार आवश्यक हो तो प्राणायाम में श्वास नासिका के बाएं छिद्र से खींचने और दाहिने छिद्र से छोड़ने का क्रम अपनाया जाता है। ऊष्मा का संचार करना हो तो नासिका के दाएं छिद्र से खींचकर बाएं छिद्र से छोड़ने का क्रम अपनाया जाता है। सामान्य स्थिति में दोनों क्रमों को संतुलित बनाया जाना उचित है। इस धारा में अनेक तरह के प्राणायाम वर्णित हैं जिन्हें प्राणायाम के विशेषज्ञों के परामर्श से किया जा सकता है। सामान्य क्रम में इतनी जानकारी से भी प्राणायाम का पर्याप्त लाभ उठाया जा सकता है। 2, उपासना परक प्राणायाम। प्राणायाम की यह प्रणाली व्यायाम की अपेक्षा उपासना के अधिक निकट है। इन प्राणायाम में 4 चरण होते हैं। 1, पूरक श्वास खींचना। 2, अंतर्कुंभक श्वास अंदर रोकना। 3, रेचक श्वास बाहर निकालना। 4, बाह्य कुंभक श्वास को बाहर रोकना। इसमें मात्रा 2:1:2:1 रहती है। जितने समय में श्वास खींचा उससे आधे समय तक अंदर रोकना, जितने समय में खींचा था उतने समय में ही बाहर निकालना, जितने समय तक अंदर रोका था उतने ही समय तक बाहर रोकना, खींचने और छोड़ने से आधा समय अंदर और बाहर रोकने में लगाया जाता है। व्यायाम परक प्राणायाम और उपासना परक प्राणायाम दोनों ही उपयोगी है। यदि कोई व्यक्ति दोनों ही प्राणायाम करना चाहे तो दोनों के बीच में इतने समय का अंतर दिया जाए कि जब एक का प्रभाव शरीर में शांत हो जाए तब दूसरा प्राणायाम किया जाए। सामान्य रूप से 1/2 घंटे का अंतर इसके लिए पर्याप्त माना जाता है। व्यायाम के साथ व्यायाम वाले प्राणायाम और उपासना के साथ उपासना वाले प्राणायाम करने का क्रम भी बनाया जा सकता है। सुबह शाम में एक समय में व्यायाम परक प्राणायाम और एक समय उपासना परक प्राणायाम का क्रम निश्चित करके भी बनाया जा सकता है। उपासना परक प्राणायाम के क्रम में साधकगण नीचे लिखे अनुसार क्रमशः अभ्यास कर सकते हैं। 1, तालयुक्त श्वास। किसी भी आसन पर सीधे बैठकर तालयुक्त श्वास का अभ्यास किया जाए। श्वास खींचने और छोड़ने में समान समय लगाएं। श्वास को जितनी देर बाहर रोक सकें उतनी ही देर अंदर रोकें। इस प्रकार श्वास लयबद्ध होने लगती है। यह अभ्यास हो जाने पर
श्वास के साथ प्राण प्रवाह को शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवाहित होने का ध्यान करें। भावना करें कि शरीर में प्राण प्रवाह के तमाम विकारों और दुर्बलताओं को यह शुद्ध प्राण प्रवाह दूर कर रहा है। इस क्रिया के अभ्यास से पीड़ित अंगों की पीड़ा भी कम की जा सकती है। तालयुक्त श्वास की क्रिया का अभ्यास सतत किया जा सकता है। दूसरा, प्राणाकर्षण प्राणायाम। सुखासन में मेरुदंड सीधा रखते हुए सहज स्थिति में बैठें। दोनों हाथ गोद में या घुटनों पर रखें। आंखें बंद करें। ध्यान करें कि विश्व ब्रह्मांड में प्राण का अनंत सागर हिलोरे ले रहा है। उपासना स्थली में उसकी सघनता विशेष है। वह हमारे आवाहन पर हमारे चारों ओर प्रकाश पुंज की भांति घनीभूत हो रहा है। धीरे धीरे गहरी श्वास खींचें। भावना करें कि दिव्य प्राण प्रवाह श्वास के साथ अंदर प्रवेश कर रहा है तथा सारे शरीर में कोने कोने तक पहुंच रहा है। श्वास रोकते हुए ध्यान करें कि दिव्य प्राण शरीर के कण कण में सोखा जा रहा है और मलिन प्राण छोड़ा जा रहा है। श्वास निकालते हुए भावना करें कि वायु के साथ मलिनताएं बाहर निकलकर दूर चली जा रही है। श्वास बाहर रोकते हुए ध्यान करें कि खींचा हुआ प्राण अंदर स्थिर हो रहा है। बाहर श्रेष्ठ प्राण पुनः हिलोरे ले रहा है। श्वास खींचने और निकालने में एक सा समय लगाएं। अंदर रोकने और बाहर रोकने में खींचने या छोड़ने से आधा समय ही लगाएं। इस प्राणायाम से थोड़े प्रयास से ही दिव्य प्राण के बड़े अनुदान साधक को प्राप्त हो जाते हैं। तीन, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए प्राणायाम की मुद्रा में जैसा पहले बताया जा चुका है बैठें। बाएं नासिका से श्वास ग्रहण करें और उसी से छोड़ें। पूरक, रेचक, कुंभक क्रमशः 2:1:2:1 के निर्धारित क्रम से 3 बार श्वास खींचना, 3 बार निकालना। फिर यही क्रम दाहिने स्वर से अपनाएं। फिर दोनों नासिका छिद्रों से श्वास गहरा खींचना और मुंह से धीरे धीरे उपयुक्त समय लगाते हुए रेचक करना चाहिए। यह एक प्राणायाम माना जाता है। इस प्रकार 3 बार क्रिया दोहराएं। इसमें ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, नाड़ी में प्राण का प्रवाह संतुलित किया जाता है। इस प्रयोग में क्रमशः ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना नाड़ियों में प्राण प्रवाह के साथ समग्र नाड़ी तंत्र के शोधन की भावना की जाती है। हर श्वास के साथ दिव्य प्राण संचार तथा प्रश्वास के साथ विकारों के बाहर फेंके जाने की धारणा की जाती है। नोट, उच्च स्तरीय योग साधना हेतु किसी भी संजीवनी विद्या शिविर में शांति कुंज आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। यहाँ आने से पूर्व पत्राचार द्वारा स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लें। योग व्यायाम से पूर्व की सावधानियाँ। 1, शरीर और वस्त्र स्वच्छ रखें। 2, योग्य व्यायाम शुद्ध हवा में करें। मकान के अंदर करें तो देख लें कि स्थान साफ सुथरा और हवादार है या नहीं। 3, आसन करते समय किसी का अनावश्यक रूप से उपस्थित होना ठीक नहीं। ध्यान दूसरी ओर खींचने वाली चर्चा वहां पर नहीं होनी चाहिए और आसन करने वाले का प्रसन्नचित रहना बहुत जरूरी है। प्रातः संध्या स्नान करने के बाद योग व्यायाम करना चाहिए। 4, योगाभ्यास करने वाले को यथा समय प्रातः 4 बजे बिस्तर से उठने और रात को 10 बजे तक सो जाने की आदत डालनी चाहिए। 5, भोजन अपनी स्थिति के अनुरूप सुसंस्कारी, स्वास्थ्यवर्धक और आयु के हिसाब से नियत समय पर प्रसन्न भाव से करना चाहिए। स्वाद के लोभ से अधिक भोजन हानिकारक है। 6, भोजन सादा होना चाहिए। उसमें मिर्च मसाला न डालें तो अच्छा है। यदि डालना ही हो तो कम से कम डालें। शाक सब्जी उबली हुई गुणकारी होती है। आटा चोकर सहित और चावल हाथ का कुटा हुआ लाभप्रद है। 7, योग व्यायाम करते समय कसे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ढीले कपड़े ही लाभप्रद रहते हैं। अधो वस्त्र चुस्त पहनना उचित है। 8, योग व्यायाम करने के बाद आधा घंटा विश्राम करके दूध या फल खाए जा सकते हैं। चाय, कॉफी आदि नशीली चीजें हानिकारक हैं। 9, प्रातः या सायं शौच करने के बाद ही योग का अभ्यास करना चाहिए। स्नान के बाद भी कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में भोजन के कम से कम 3 घंटे पश्चात ही आसन करना उचित है। 10, अनिद्रा निवारण के लिए शवासन का सतत भावपूर्ण अभ्यास करना चाहिए। 11, आसनों के चुनाव में आगे झुकने वाले आसनों के साथ पीछे झुकने वाले आसन आवश्यक है।
जिन्हें पेचिस का रोग हो उन्हें मेरुदंड को पीछे झुकाकर करने वाले आसन नहीं करने चाहिए। जिनकी आंखें दुख रही हो या लाल हो उन्हें शीर्षासन नहीं करना चाहिए। 12वां, योगाभ्यासरत व्यक्ति को ब्रह्मचर्य संयम का पालन दृढ़ता के साथ करना चाहिए। योगाभ्यास के तुरंत ही भारी कार्य नहीं करना चाहिए, योगाभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए स्वाध्याय व सेवा परायण जीवन बनाएं, व्यस्त रहें मस्त रहें, विचार भावना का परिष्कार आवश्यक है।